आपको दिवाली के पहले हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देनी चाहिए, क्योंकि हम शिफ्ट होके ही घर जाए, फिर वहाँ जब घर से आए तो पूरी अपनी प्रॉपर क्लास ले सकें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात हुई और मैंने बिल्डिंग देखा, बिल्डिंग काफ़ी अच्छा है। ठीक है, विकास सर का ये डिसीजन मतलब काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मुखर्जी नगर में जो है सेफ्टी रूल्स जो है वो फॉलो नहीं हो पा रहा था। बिल्डिंग तो अच्छी है, वहाँ से तो बहुत बेटर है, सड़क भी अच्छी है यहाँ पर और खुला भी है, लेकिन फिर पीजी की प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर लिस्ट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दे तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। सर मुझे याद नहीं था कि मुझे किधर से जाना है, तो मैं अभी अचानक से देखा कि चलिए आपका वीडियो देखता हूँ। ठीक है, जब देखा आपका वीडियो उसके बाद जब इधर रास्ते के लिए मुड़ा तो फिर अचानक देखा, अरे ये तो आप ही हैं। विकास द्विवेदी सर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और इंटेलेक्चुअल टीचर हैं, उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, वो तो बहुत मतलब हमारे आइडियल हैं वो। हाँ, वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई थी, ये तो बहुत नई बिल्डिंग है, यहाँ पर क्राउड भी नहीं है, एकदम स्पेस है और रूम वगैरह भी यहाँ पर सस्ते हैं वहाँ की अपेक्षा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आपके लिए मैंने यहाँ पे 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आपने 50,000 की संख्या में वो देखा। अभी कुछ दोस्त हैं और मैंने बहुत सारी स्टूडेंट से भी यहाँ पे और भी बात की है, अभी देखो आप पीछे और भी स्टूडेंट जा रहे हैं, ये सब मुझे जानते हैं और अभी कुछ मुझे और दोस्त मिले हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? विवेक। आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, अभी आप लोग कहाँ से आए हो? अभी मैं साउथ पटेल नगर में रहता हूँ, मैं वहीं से आया हूँ। और आप? साउथ पटेल नगर। तो UPSC की तैयारी करते हैं? हाँ हाँ। आप जी ये बताइए, विकास दिव्यकृति सर ने ये जो यहाँ पे सेंटर बनाया है, जो क्लासरूम बनाया है, ये आपको कैसा लगा? और आप बता रहे थे कि आपका वीडियो देख देख के रास्ता पता कर रहे थे, आपने देखा था क्या कल वाला वीडियो? जी मैंने आपका वीडियो देखा था और मुझे याद नहीं था कि मुझे किधर से जाना है, तो मैं अभी अचानक से देखा कि चलिए आपका वीडियो देखता हूँ। ठीक है, जब देखा आपका वीडियो उसके बाद जब इधर रास्ते के लिए मुड़ा तो फिर अचानक देखा, अरे ये तो आप ही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात हुई और मैंने बिल्डिंग देखा, बिल्डिंग काफ़ी अच्छा है। ठीक है, विकास सर का ये डिसीजन मतलब काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मुखर्जी नगर में जो है सेफ्टी रूल्स जो है वो फॉलो नहीं हो पा रहा था, अब जो यहाँ पे है वो सारे कुछ सेफ्टी रूल्स भी फॉलो होंगे, मेंटरशिप की बिल्डिंग भी बन रही है और यहाँ क्लासेस जो है मतलब क्लासेस की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बेटर है। ठीक है, बताइए फर्स्ट अटैम्प्ट कब देने वाले हैं? मैं 25 में दूंगा। ऑप्शनल क्या है आपका? एंथ्रोपोलॉजी। तो आपको आप कब देने वाले हैं फर्स्ट अटैम्प्ट? 25। आपका क्या है ऑप्शनल? हिंदी साहित्य। अच्छा, आपको क्या लगता है ये विकास द्विवेदी सर का सही कदम है, उन्होंने नोएडा सेक्टर 15 में अपना क्लासरूम शिफ्ट किया है? ये बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे उतना डेंसिटी भी नहीं है हम लोग के लिए, रेंट भी थोड़ा कम हो जाएगा वहाँ का कंपेयर में, बिल्डिंग भी वहाँ का स्थिति बहुत ख़राब था, तो एक तरह से तो बिल्कुल सही हम लोग के लिए। ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से कम्प्लीट किया? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और आपने? मैंने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इलाहाबाद के स्टूडेंट का तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है UPPCS में, आप लोगों का भी कहीं ना कहीं होगा? हाँ ज़रूर होगा। नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने वीडियो देखा था, वीडियो देखने के बाद में कुछ मदद हो पाई या नहीं, पता चला किधर से किधर जाना है? हालांकि अभी हम पूरा डिटेल से एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, 1-2 दिन में आ जाएगा, कि मुखर्जी नगर से आपको यहाँ कैसे स्टेप बाई स्टेप पहुँचना है, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई पहुँचना? देखिए, आप लोग वीडियो बना रहे हैं इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नहीं बनाते तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि इधर से किधर जाना है किधर जाना है, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो आप लोगों के वीडियो से डेफिनेटली हम लोगों का हेल्प होता है। और हम चाहेंगे कि आप नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाएं कि रेंट वगैरह के लिए, ठीक है, कि रेंट कहाँ पे कौन से एरिया में कम है, कहाँ पे ब्रोकरेज है लगता है, कहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगता है, अगर आप रूम से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो हम लोगों की काफ़ी मदद मिलेगी। आपका? निशा मीना। ये बताइए आप यहाँ पे आज कितने बजे आए थे? हम 3 बजे से आए हैं, लेकिन अभी तक हमें रूम नहीं मिला। तो जैसा कि विकास द्विवेदी सर ने ये बोला था, हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे, वो लिस्ट क्या आप तक पहुंची है अभी या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन सर से रिक्वेस्ट है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दे, गर्ल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम सुबह से इसमें लगे हुए हैं लेकिन एक भी पीजी नहीं मिला। ये बताइए सर ने यहाँ पे जो बिल्डिंग बनाई है नई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेहरू विहार वाली बताते थे लोग कि खंडर हो चुकी थी, काफ़ी पुरानी थी, यहाँ जो नई बिल्डिंग बनी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्डिंग तो अच्छी है, वहाँ से तो बहुत बेटर है, सड़क भी अच्छी है यहाँ पर और खुला भी है, लेकिन फिर पीजी की प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर लिस्ट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दे तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। सर ने ये बोला था कि जब क्लास शुरू होगा नवम्बर से, जब हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन स्टूडेंट इतना जल्दी क्यों यहाँ पर आना चाहते हैं? जैसे अभी आप भी आ गए, जल्दी ही क्यों आ रहे हैं आप लोग? उन्होंने बोला था कि थोड़ा रुक के आए, जब मैं लिस्ट दे दूंगा क्लासरूम शुरू होगा, और इसके चक्कर में शायद थोड़ा सा रेंट भी यहाँ के लोग बढ़ा रहे हैं कि स्टूडेंट अभी से आना शुरू होगा। क्योंकि सर ने पहले बोला था कि 15 सितंबर को वो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन फिर कराया नहीं, तो बच्चों ने सिक्योरिटी एडजस्ट करा दी थी
तो उसको लेकर फिर बच्चों ने पहले सिक्योरिटी एडजस्ट करा दी, फूड का भी सारा दे दिया था, तो फिर उनको अब प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए जल्दी देखने आ रहे हैं वो। और वहाँ पे मंथ भी तो कंप्लीट हो रहा दृष्टि में, वहाँ पे मतलब जहाँ हमने नेहरू विहार में लेके रखा था पीजी, वहाँ पे हमारा मंथ भी कंप्लीट हो रहा है, तो वहाँ पे हमें जो हमने पहले से दे के रखा है सिक्योरिटी, तो हमें उसी में एडजस्ट कराना है। तो इस वजह से अभी से ही ढूंढ रहे हैं कि फिर वहाँ के पीजी वाले भी बोलते हैं कि हमें एक महीने पहले ही देना होगा जब खाली करना है। घर भी तो जाना है, फिर घर से आके फिर डायरेक्ट कैसे देखेंगे? अभी आपको दोबारा मुखर्जी नगर भी जाना है? हाँ, अभी मुखर्जी नगर भी जाना है हमें। तो केवल यही 3 स्टूडेंट नहीं है, लगभग डेली यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं। और सर प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, और आप देखते हैं मुझे पता है ये केवल एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, 2 की नहीं है, 3 की नहीं है, हज़ारों स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। आप जल्दी से जल्दी एक लिस्ट जो आपने बोला था वो इन सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करा दें। बाकी का कुछ लिस्ट मेरे पास भी है, वो भी मैं जल्दी ही कल या परसों में पूरा पब्लिक कर दूंगा, जहां से स्टूडेंट की थोड़ी सी मदद हो पाए। और कुछ कहना चाहते हैं विकास सर को आप? नहीं, सर को दिवाली के पहले हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देनी चाहिए, क्योंकि हम शिफ्ट होके ही घर जाए, फिर वहां जब घर से आए तो पूरी अपनी प्रॉपर क्लास ले सकें यहां पे। अरे क्लास का जो सर ने यहां पे शिफ्ट किया है, ये कदम आपको सर का कैसा लगा? सही है? नहीं, ये तो ठीक है, वहां से यहां का माहौल ठीक है, बिल्डिंग भी ठीक है, उस अकॉर्डिंग के हाँ लग रहा है कि कोचिंग सेंटर है नेहरू विहार से। पर पीजी की भी जल्दी लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दे तो हम अपना अपना वो कर लें, क्योंकि वहाँ हम एक महीने पहले ही वहाँ बताना पड़ेगा जहाँ से हम खाली करके आएंगे। इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और गर्ल्स को तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है डेली। कम से कम अभी हमने बहुत सारी गर्ल्स को देखा पीजी ढूंढते हुए, 100 से ज़्यादा गर्ल्स हमें मिली हुई है, सब परेशान है पीजी को लेके। जा रहे हैं, आप भी स्टूडेंट हैं दोस्त? हेलो, आप भी UPSC की तैयारी करते हैं? हाँ भैया, UPSC। बताइए अभी आप क्या मुखर्जी नगर से आए हैं? हाँ, मैं मुखर्जी नगर से आया हूँ। दृष्टि, दृष्टि का बिल्डिंग आपको कैसा लगा जो सर यहाँ पे बनवा रहे हैं? बहुत शानदार बिल्डिंग है ये, और मेट्रो स्टेशन के पास में है, तो मुझे तो अच्छा लगा है। वॉकिंग डिस्टेंस पे 50 मीटर दूर है, तो अच्छा लगा मुझे तो। बहुत शानदार बिल्डिंग बनाई है, मुखर्जी नगर में तो ऐसी बिल्डिंग है ही नहीं, एकदम कचड़ा था यहाँ पर, बहुत अच्छा बिल्डिंग हुआ। ये बताइए, जैसे आप अभी आए होंगे मेट्रो से, तो लगभग कितना टाइम लगा आपको पहुँचने में? 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट? मिनिमम 2 मिनट लगा होगा, 2 मिनट बस। आपने नेहरू विहार और यहाँ पे क्या डिफरेंस देखा? बहुत सारे फ्रेंड कह रहे हैं वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई थी। हाँ, वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई थी, ये तो बहुत नई बिल्डिंग है। यहाँ पर क्राउड भी नहीं है, एकदम स्पेस है, और रूम वगैरह भी यहाँ पर सस्ते हैं वहाँ की अपेक्षा। मतलब मैं अभी रूम भी देख के आ रहा हूँ, तो रूम भी सस्ते हैं यहाँ पर। आप भी रूम देखने आए? हाँ, मैं रूम देखने आया हूँ। तो आपका नाम क्या है? विमल नाम है मेरा, मैं दृष्टि का स्टूडेंट हूँ। मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं क्या? मेंटरशिप नहीं, मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था, तो फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ। कहना चाहते हैं विकास दिव्यकृति सर को? विकास दिव्यकृति सर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और इंटेलेक्चुअल टीचर हैं, उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, वो तो बहुत मतलब हमारे आइडियल हैं वो तो हमारे लिए। तो ये दृष्टि का बिल्डिंग है जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। आज हमने यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट से बात की है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं।